बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब, ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, उम्मीद है सब फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो YouTube के रिलेटेड है, ठीक है, YouTube के काम करने के रिलेटेड है कि आप लोग जो वीडियोज़ अपने अपलोड करते हो और कंटेंट जो अपना क्रिएट करते हो उसको आपने यूट्यूब पर पब्लिश तो करना है, लेकिन उसकी रैंकिंग कैसे बढ़ानी है, ठीक है, उसके आप कीवर्ड्स कहाँ से लोगे, उसके टैग्स कहाँ से लोगे, उसके जो टाइटल है वो आपने कैसे लगाना है, इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और आपको तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप लोग टैग्स जो हैं वो ऑथेंटिक टैग्स क्या लें, कहाँ से हासिल करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग बता रहे होते हैं, कई वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर लोग जो हैं बता रहे होते हैं कि यहाँ से मिल जाएंगे आपको टैग्स, फ़लानी जगह से मिल जाएंगे, फ़लानी जगह से मिल जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीज़ों पे इस बारे में बात हो रही होती है, लोग बहुत वीडियोज़ इस पे बनाते भी हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उम्मीद है कि काफ़ी जो है ना फ़र्क होगा, ठीक है। फ़र्क कैसे होगा, लोगों ने कई बनाई होते हैं, कई आए होते हैं ना, एक्सटेंशन होती हैं, वहाँ से भी आ जाते हैं टैग्स, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको लेके आ रहा हूँ, ये देख लें, गूगल एड्स, गूगल एड्स। अब गूगल एड्स क्या है, गूगल एड्स ये है जहाँ पे आप जो है गूगल पे यूट्यूब पे एड्स चला सकते हैं, यहाँ पे इनको पे करके, ठीक है। गूगल एड्स ये है, आपने अपनी किसी चीज़ की प्रमोशन करनी है, वेबसाइट की करनी है, चैनल की करनी है, वो आप यहाँ पर आगे करेंगे, इनको पे करेंगे और यहाँ से हम जो है वो एड्स आगे चलवाएंगे। जैसे हमें यूट्यूब पे सामने एड्स आते हैं, हम यहाँ अगर ऐड करेंगे पब्लिश करेंगे तो वहाँ हमें शो होगी, यहाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब इसके टूल्स में एक बड़ी मज़े की चीज़ है, कीवर्ड प्लानर, हम इसको ओपन करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, हम यहाँ आएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, ठीक है। हमने अपने लिए कीवर्ड्स जो है वो सर्च करना है। अब यहाँ पे आप पाकिस्तान के लिए रख लें कि आपने पाकिस्तान में सर्च करना है यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं कीवर्ड्स वो, या आपने इसको ओवरऑल द वर्ल्ड करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज। आप यहाँ पे इसको लोकेशन ख़त्म करें, सेव करें। अब जैसे मेरी फील्ड क्या है, फ्रीलांसिंग, वीडियोज़ भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग रिलेटेड होती हैं या यूट्यूब के रिलेटेड होती हैं, तो मैं यहाँ पर इसको फ्रीलांसिंग को सर्च किया कीवर्ड, ये मुझे रिज़ल्ट दे देगा। रिज़ल्ट कैसे देगा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रिज़ल्ट्स देगा। क्यों देगा, क्योंकि भाई यही वो चीज़ है जो एड्स चला रहा है, जो उसको रैंक कर रहा है, गूगल है, गूगल एड्स है जो वहाँ पे आपकी रैंकिंग देखता है, डिटरमाइन करके आपको फर्स्ट पेज पे लाता है या लो लेके जाता है, मेन चीज़ है ही यही। अगर आप यहाँ से ला रहे हैं कि टैग्स रिसर्च अगर आपकी यहाँ पे है, तो भाई वो जहरी सी बात जेन्युइन होगी ना। अगर आप किसी और कीवर्ड प्लानर पर जा रहे हैं, कोई और, यार कई वेबसाइट्स हैं बहुत ज़्यादा है कीवर्ड्स की, ठीक है ना, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, लेकिन वो चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, क्योंकि वो यहाँ से कुछ डाटा लेते हैं, कुछ कहीं से लेते हैं, कुछ कहीं से लेते हैं, ये खुद दे रहा है, ये कीवर्ड्स को ये देखता है, मॉनिटर करता है। यहाँ से जो हम कीवर्ड्स लेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कीवर्ड मैंने किया सर्च फ्रीलांसिंग, इसका एवरेज मंथली सर्चेज कितनी हैं, 1 मिलियन टू 10 मिलियन, वो इतनी ज़्यादा कंपटीशन इसमें कितना है, लो, ठीक है, कंपटीशन बहुत लो है, यानी कि ये हमें काम देगा, ये अच्छा, ये जिनकी मोनेटाइज हो चुके हैं उनको ज़्यादा काम देगा। क्यों, क्योंकि जब मोनेटाइज हो जाता है ना चैनल, ये उनके लिए भी है, वो भी अपने कीवर्ड्स जो लगाते हैं, जहरी बात है वीडियोस में लगाने चाहिए, तो कीवर्ड्स कैसे लगाने चाहिए, कीवर्ड्स वो लगाने चाहिए जो कंपटीशन जिनका थोड़ा हो, ठीक है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, ठीक है, उसके बाद ये जो उनका रेट्स हैं ये अच्छे होने चाहिए, ये इसके 4 सेंट से $1.88 तक इसका रेट है अगर इस पे एड्स आते हैं, इस कीवर्ड के रिलेटेड आते हैं आपके अगर चैनल पे। सो ये तो मोनेटाइज्ड वालों के लिए, हम वैसे रैंक करने की बात कर रहे हैं, हाई वाली नहीं करनी यहाँ पे, इसमें हाई वाला आ ही नहीं रहा, मीडियम लो, मीडियम लो, मीडियम लो, ठीक है। साथ में वो बता रहे हैं मंथली सर्चेज कितनी होती है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ये कीवर्ड जो है इसके ऊपर है 10K to 100K, ठीक है, ये मीडियम कंपटीशन है इस पर। फ्रीलांस राइटिंग 10K to 100K, ठीक है, वर्क एंड हायर लिखा हुआ है 1K to 10K है, ठीक है, इसका कंपटीशन लो है, ठीक है, मीडियम लो आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम मंथली ज़्यादा होता है, आप इसका अपनी वीडियोस में यूज़ करोगे आपकी SEO अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ तो ये होगी, अगर आप जो हैं मोनेटाइज चैनल है और मोनेटाइज चैनल पर आप SEO करने चाह रहे हैं कि आपको जो है एड्स भी अच्छे मिलें, एड्स अच्छे मिलें, तो आप वो सर्च करें जिसकी
जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपटीशन लो हो या मीडियम हो, और उसका रेट ज़्यादा हो। मीन्स अब ये देखना है, 33 सेंट फ्रीलांस वेब डेवलपर, ठीक है, 10K to 100K है इसकी मीडियम कंपटीशन है, 0.33 to 12.71 डॉलर ये जो है इसका देते हैं, पे करता है, यही करता है, एड्स करता है, क्योंकि यही आपको बता रहा है जेन्युइन जो चीज़ है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम सर्च कुछ और कर लेते हैं, हम कह देते हैं, क्या चीज़ हम कर देते हैं, हम कॉपीराइट फ्री फ्री म्यूज़िक, ठीक है जी, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक हम सर्च कर रहे हैं, गेट रिजल्ट्स, ये जी इसका अभी निकाल के, हाँ, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक 10K to 100K इस एक वर्ड का जो है, ये तीन वर्ड हैं कीवर्ड जो आ गया, मीडियम कंपटीशन है और ये रेट्स ज़्यादा हैं, ये मोनेटाइज लोगों के लिए भाई थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी 100K to 1 मिलियन है इसका सर्चेज, और लो कंपटीशन है और ये रेट्स हैं, और इसमें आई थिंक बहुत ज़बरदस्त रेट्स आएंगे, ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक सर्च हो गया इसलिए ज़्यादा नहीं आए, अगर नहीं ये देखें, अब 1 डॉलर जो है रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक साउंड, ये एक तरह का नाम आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, वो भाई किधर गया, हमने तो एक्सपेंड करना था, ये देखें रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक साउंड क्लाउड, अगर इस कीवर्ड के रिलेटेड अगर कोई बंदा आपके पास आता है और इसके रिलेटेड चल रही है, इसको सर्च करते हुए कोई आता है आपके चैनल पे, तो जो उसको ऐड मिलेगा वो 1 डॉलर और 8 सेंट का होगा, वो आपको यानी कि इतने मिलेंगे, ठीक है जी, इसका ये प्राइस है। यानी कि यहाँ आप कुछ भी सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको जेन्युइन कीवर्ड्स मिलेंगे, आप यहीं से कीवर्ड्स अपने उठाएँ, कीवर्ड्स उठा के 2-3 कीवर्ड्स को मिला के एक जुमला बनता हो, जो जुमला बना के आपने अपने टैग बना लेना है, और जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन में भी आप वही चीज़ें जो है यानी कि उन्हीं कीवर्ड्स को जुमले बना के, एक जुमले बन रहे हों पूरे समझ में आने वाले, ताकि गूगल को भी समझ आए, आपकी SEO ऊपर ले जाए, आपको रैंक करे, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने लगानी है। तो मेरे पास ज़्यादा तो ज़्यादा रिसर्च का यार टाइम नहीं होता, फ्रीलांसिंग भी करनी होती है ना, तो मेरी इतनी ज़्यादा SEO अच्छी नहीं है मेरे चैनल की, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो कभी कभी कुछ ना कुछ कीवर्ड किसी वीडियो में लगा देता हूँ मैं भी, ठीक है। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ये चीज़ें आपको और लोग भी बताएंगे कि कैसे करना है, कीवर्ड्स आप लगाएं, उसका जुमले बनाएं, वहाँ कीवर्ड अच्छे सर्च करके उनका आप बना के टाइटल भी लगाएं, तो सर्च कहाँ करना है, यहाँ करना है भाई, यहाँ करो, सबसे ज़बरदस्त है गूगल एड, इसके अलावा कोई और मैं नहीं समझता कि कीवर्ड्स के लिए ना कोई प्रॉपर वे होगा, जितनी वेबसाइट्स हैं सब ने यहीं से कॉपी किया होता है या इसी को देख के कर रहे होते हैं, ये सबसे बेस्ट है। मेन चीज़ है अकाउंट बनाओ, इस पे गूगल का अकाउंट ऑलरेडी है, गूगल एड्स पे जाके साइन अप करो, साइन अप करने के बाद यहाँ आप कीवर्ड प्लानर में आके, ये टूल्स में है, यहाँ पे टूल्स में कीवर्ड प्लानर, ठीक है, आप इसको निकालो और यहाँ से अपना कीवर्ड सर्च करो और ज़बरदस्त अपना काम करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखना इंशाल्लाह।